थ्री न्यूज इंडिया लगातार कवरेज कर रहा है झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। इस वक्त मौजूद है हम प्लाजा चौक पे, यहाँ पे झारक्राफ्ट एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे खादी हाथ से बनी हुई सामग्री का दुकान लगाया गया है और रांची के लोगों का रुझान काफ़ी देखने को मिल रहा है। हम अंदर की ओर जाएंगे इस वक्त और जानेंगे कि क्या वैरायटी के सामान आए हुए हैं और लोगों का रुझान किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आशा सिन्हा, थैंक यू। अभी हम झारखंड के एक्सपो के अंदर आ चुके हैं, तो आप बताइए कि मतलब टोटल के टोटल सारे चीज़ें हैंडमेड हैं और इसकी मतलब स्पेशलिटी क्या है, क्या इसमें अलग है जो बाकी दुकान मतलब बाकी की दुकान? ये सर्वप्रथम तो ये बात है कि ये हैंडमेड है और दूसरी कि जैसे जूट बैग्स अगर हम यहाँ बना रहे हैं, ये लोकल झारखंड का प्रोडक्ट है, तो झारखंड में जब ये बन रहा है तो सीधी सी बात है कि जो इसके कॉस्ट पड़ रहे हैं, रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन जो यहाँ बनाने का खर्च है तो वो यहाँ की लेडीज़ लोग को। जब मैं अपना काम शुरू की PMEGP लोन लेकर के मैंने अपना काम किया तो शुरू में मैंने ध्यान दिया बिल्कुल कि लेडीज़ लोग को ही अपने साथ रखूँ और उनके साथ काम करूँ, तो उनके साथ काम करने से होता है क्या कि उन लोगों को पैसे जाते हैं। यही माल हो सकता था कि कम रेट में हमें बाहर से भी आ जाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को प्रधानता ना दे करके हमने इसका दिया प्रेफरेंस कि हमें यहीं पे बनाने हैं, तो यहीं पे बनाने हैं। तो इसका एक बाद में मुझे ये मिला फ़ायदा कि झारक्राफ्ट जैसे या खादी जैसे कोई भी जो संस्थाएं आई तो उनका सबसे पहला यही था कि झारखंड में बनी हुई चीज़ें उन्हें बेचनी है। तो हम लोगों ने हाँ बैग्स हमने बनाए, तो जूट के आइटम में तो करीब करीब सारे चीज़ बनाए हैं, यहाँ तक कि सेमिनार्स बड़े बैग्स भी बनवाए हैं जो कि सेमिनार होते हैं, सेमिनार में भी यूज आते हैं, कॉन्फ्रेंस बैग होते हैं, लैपटॉप बैग होते हैं, लंच बैग, वाटर बोतल, शॉपिंग बैग, बड़े बड़े शॉपिंग बैग जो यूज़ आते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने एम्ब्रॉयडरी बैग्स भी करवाए हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। के लोगों का रुझान कैसा लगा आप लोगों के सामान के प्रति, राज्य के लोग कल से आ रहे हैं? मुझे सोचना नहीं पड़ता है, जो चीज़ें हम बनाते हैं लोकल मार्केट में ही, लोग आते हैं तो कहते हैं कि बाहर क्यों नहीं भेजते हैं, जबकि हमारा माल लोकल मार्केट में ही सारा ख़त्म हो जाता है। कॉस्टिंग हमारे लिए जो कॉस्टिंग भेजने में लगेगा, जैसे मैंने ये IFC कोड लिया हुआ है बट फिर भी मैं इसमें रुचि नहीं लेती हूँ, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र भी है, मैं इंडिया से बाहर भी जा सकती हूँ सेल आउट करने के लिए, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहीं सारे के सारे चले जा रहे हैं या फिर कोई और लोग सामने आ रहे हैं जो कि हमारे माल को ले जाते हैं, तो फिर वो प्लस करते हैं हमारे रेट से, वो प्लस करके आगे की ओर अपना भेजते हैं। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट लोग है ये? एक्चुअली हमारा ये झारक्राफ्ट एक्सपो कल शाम को शुरू हुआ है, माननीय सांसद हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उन्होंने 6 बजे सुबह उद्घाटन किया है, श्री संजय सेठ जी माननीय सांसद। झारक्राफ्ट एक्सपो ये प्रयास कर रहा है लगातार 2006 से कि झारखंड के अंदर बना हुआ जो भी हस्तशिल्प और हस्तकरघा के आइटम हैं, जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसको एक्सपोजर दिया जाए, उसको मार्केट दिया जाए, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए, जो कि यहीं का प्रोडक्ट है, यहीं के लोग बना रहे हैं, खास करके यहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब है, यहाँ की महिलाएँ हैं, यहाँ के जो बुनकर समुदाय से लोग हैं वो इसको बना रहे हैं। दूसरे स्टेट से जो यहाँ फ़र्क है वो ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि झारखंड एक बड़ा उत्पादक है तसर का, तसर सिल्क का, वाइल्ड सिल्क का, पूरे भारत का जो टारगेट है तसर सिल्क के उत्पादन का, उससे कहीं ज़्यादा हमारा उत्पादन है झारखंड के अंदर में। झारखंड में 6 ऐसे 7 ज़िले हैं जहाँ पे विभिन्न ब्लॉक्स में तसर सिल्क का उत्पादन हो रहा है, तो तसर वाइल्ड सिल्क है और तसर घीचा, तसर मलवरी के साथ में मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे साड़ियाँ है, स्टॉल है, दुपट्टे है, ये सब प्रोडक्ट बनता है जी। हाँ, यहाँ पे अभी हमारे पास लगभग 1500 प्रोडक्ट यहाँ पे है अभी। सिल्क में अगर कहेंगे तो तसर मूगा, तसर मलवरी, तसर घीचा, ये सारी साड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कॉटन में कम से कम 5-7 तरह के आइटम हैं। कॉटन में जकार्ड साड़ी पहली बार हम लोग लॉन्च किए हैं, और कॉटन में ब्लॉक प्रिंट साड़ी, कॉटन में प्लेन साड़ी,
कॉटन में रनिंग थान्स, ये कॉटन की साड़ियाँ और कॉटन के मटेरियल का मैंने आपको डिटेल बताया। हाँ एक्चुअली ये शाम को उद्घाटन हुआ लेकिन हमारा सेल दोपहर से ही शुरू हो गया। जब हम दुकान लगा रहे थे, ये जो इलाका है आपका ये HB रोड, ये फ्रायलाल से नज़दीक है, शहीद चौक से नज़दीक है, तो यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना है। आप अभी भी देख रहे हैं लगभग 25-50 लोग खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन अनुराग के साथ संवाददाता शुभम कुमार, P3 न्यूज़ इंडिया, बियॉन्ड द हेडलाइंस।